हेलो फूडीज, मैं हूं किरण। होम मेड फूडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दिल्ली के फेमस राम लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूं। रेसिपी देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि रोज नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राम लड्डू। राम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और चटनी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये मूली ली है। तो ये खास एक सीक्रेट है इसमें चटनी में, जो ये रेड़ी वाले होते हैं या जो लड्डू बनाने वाले जो भैया होते हैं ये इसमें ज़रूर डालते हैं। तो इस तरीके से मूली के हम पत्ते साफ कर लेंगे पहले, और अच्छे अच्छे पत्तों को हम पहले धोकर उन्हें छांट लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कुछ पत्ते पहले से ही अलग कर लिए थे, और ये मैं आपको दिखाने के लिए ये थोड़े से पत्ते मैं और अलग से निकाल रही हूँ। इस तरीके से इन पत्तों को निकाल लेना है और अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। तो अब मैं इसमें सारे ये पत्ते मूली के इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से इसे तोड़ के डाल देना है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा लिया है पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते डाल देंगे। ये एक मुट्ठी के करीब मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं, और साथ ही मैंने इसमें लिया है धनिया पत्ता भी, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। ये देखिए, धनिया पत्ता थोड़ा सा मैंने इसमें ज़्यादा डाला है, और पुदीना के पत्ते थोड़े से इससे कम डाले हैं। और इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च डाल दी हैं। और इसमें तो ये लहसुन और अदरक भी मैं इसमें ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो आप इसे डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। अब इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, अब मूली को हम अच्छे से काट लेंगे, इसका छिलका उतार देंगे, और इसे अच्छे से वॉश करके इसे हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इसे हमने थोड़ा मोटा मोटा ग्रेट करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। मैं सारी मूली को पहले ग्रेट कर लिया है, और हमने चटनी भी पीस ली है। ये देखिए, चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। और इसमें अब एक और सीक्रेट है, ये सेवियाँ जो होती हैं, जो बाज़ार में हमें मिलती हैं, नमकीन सेवियाँ जो होती हैं वो डाल दी हैं, और साथ में मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच के करीब अमचूर डाल दिया है। तो ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसमें अब मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कितनी ग्रीन चटनी बनी है। ये देखिए, और इसमें अब मैं थोड़ा सा दही भी ऐड करके इसे थोड़ा सा पतला भी कर लूँगी। और ये देखिए, ये दाल मैंने भिगो के रख दी थी पहले, 5 घंटे के लिए दाल को भिगो दिया था। ये उड़द की दाल है, ये मैंने 1/4 बॉल के करीब ली है, और 1 बॉल मैंने ली है मूंग की दाल, और 1/2 बॉल मैंने लिया है चने की दाल। इन सबको मैंने भिगो दिया था। तो भिगोने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे भिगोया था, और अब इसे हम पीस लेंगे। तो आप इसी ही मेजरमेंट से लें, कोई भी एक मेजरमेंट ले लें, कटोरी या कोई भी ग्लास वगैरह ले लें, उसी के हिसाब से आप इसे भिगोएं। तो अब देखिए, ये पिट्ठी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इसे हमने, वैसे तो हम किसी करछी या चम्मच से भी आप इसे फेंट सकते हो, लेकिन जो हाथों से फेंटा हुआ पिट्टी होती है वो ज़्यादा फ्लफ़ी होती है और काफ़ी अच्छे से फूल जाती है। इसे हाथों से ही फेंटना ज़रूरी होता है, और इसमें क्योंकि एयर बबल्स जो इसके अंदर जाने चाहिए, तो इस तरीके से हम फेंटेंगे वो हल्की भी हो जाएगी और इसमें एयर बबल्स भी आ जाएंगे, और उतनी ही पकौड़ी हमारी फूलेंगी। तो ये देखिए, ये मैं नीचे भी आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, और देखिए कलर कैसे इसका वाइट हो गया है, और पहले जो था वो येलो कलर था, और कितना ये फूल गई है। ये पूरी बॉल जो है हमारी फूल जाएगी। ये देखिए, पहले हाफ थी, और अब देखिए अब ये पूरा इसमें कितना बढ़ गया है। ये देखिए, इस तरीके से फैटने से ये होता है कि ये हल्की हो जाती है, और देखिए कितनी, मैं आपको गिरा के भी दिखा रही हूँ कितनी हल्की हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, और साथ में इसमें एक सीक्रेट और है, ये चटनी जो थी ये इसमें हमने 2 चम्मच के करीब इसमें चटनी भी डाल दी है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फेंटना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है।
ये देखिए, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब ऑयल गरम हो चुका है, ऑयल में हम इस तरीके से पकौड़ियाँ सारी उठाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए लड्डू कितने अच्छे से फूल रहे हैं। बस इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से इनको अलट पलट करते हुए हमें फ्राई कर लेना है। ये देखिए, सारी पकौड़ियाँ हमारी जो हैं फूल चुकी हैं और बन चुकी हैं। अब इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अब सभी लड्डुओं को हम प्लेट में डाल देंगे। देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने हैं। और ऊपर से हम इसके ऊपर मूली फैला देंगे अच्छे से, जो हमने ग्रेट की थी। और ये लाल चटनी है, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसे डाल देंगे। और साथ ही इसमें हरी चटनी भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ये देखिए, अच्छे से फैला देना है इसे, ताकि लड्डुओं में ये अच्छे से रच जाए। और साथ ही इसमें डाल दिया है चाट मसाला। नमक तो हमारा पहले से ही, पकौड़ों में भी नमक डाला था हमने और चटनियों में भी नमक है, तो अगर आप नमक और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लीजिए, हमारे ये राम लड्डू तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जाकर ज़रूर चेक करें। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।